अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं तो जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे थे भाई शॉपिंग करने के लिए। तो थोड़ी सी हमारी शॉपिंग रहती थी तो फिर हम वहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे हम? हमें जाना था गुल प्लाज़ा और वहाँ से हमें लेनी थी अपने लिए प्लेट्स लेनी थी रमज़ान के लिए, थोड़ी सी क्रॉकरी शॉपिंग करनी थी। तो हमने बोला गुल प्लाज़ा बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ से नहीं मिला तब हम आगे टच कर लेंगे। खैर हम यहाँ पे पहुँच चुके थे गुल प्लाज़ा। गुल प्लाज़ा सबको ही पता होगा, सदर में मौजूद है। खैर हम यहाँ पे आ गए थे और गुल प्लाज़ा इतना भूलभुलैया, इतना भूलभुलैया, रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा इस बार क्या हुआ, हम इस तरह से गेट पे हम घुसे कि ना वो डायरेक्ट हम ना बेसमेंट में चले गए। इस तरह से नहीं घुसे थे हम एक्चुअली हमारी कार जहाँ पे पार्क हुई ना, हाँ, उसके सामने स्टेयर्स नीचे जा रही थी। तो हमने कहा गुल प्लाज़ा का ही दरवाज़ा है, तो क्योंकि इसके बहुत सारे ना पॉइंट्स बने हुए हैं ना, गेट वगैरह बने हुए हैं, तो हम अंदर गए तो डायरेक्टली बेसमेंट में चले गए। बेसमेंट में हमें जाना नहीं था लेकिन बेसमेंट में बहुत ज़्यादा रश था। और फिर उसके बाद जब हम बेसमेंट में पहुंचे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमें ख्याल आया कि यार जल्दी से जूस वगैरह ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और इधर हम लोग जूस वगैरह ले रहे थे, ऑरेंज जूस, क्योंकि उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ज़ोया को यहाँ पे खूबसूरत सी चीज़ें नज़र आईं तो ज़ोया ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, मैंने ज़रा कैप्चर करना स्टार्ट किया। अच्छा जहाँ पे वो जूस वगैरह और वो आइसक्रीम का पूरा वो पॉइंट बनाया हुआ है ना, तो वहीं पे ही मैं आ गई थी और वहीं कॉर्नर पे ये शॉप थी। बहुत खूबसूरत शॉप थी, बेसिकली डेकोरेशन की शॉप थी, या आप डेकोरेशन आइटम्स कह सकते हैं, या जो हम सजाते हैं अपने ड्राइंग रूम्स वगैरह को, वो वाली चीज़ें थी। या इतनी हसीन शॉप थी, अभी मैं अंदर से भी आपको विज़िट करवाऊंगी, इतनी प्यारी लग रही थी सारी की सारी चीज़ें। थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर थी लेकिन ना वर्थ बाइंग थी, क्योंकि ना इतनी ज़बरदस्त मैंने ना यहाँ पर चीज़ें देखी ना कि आँखें चकाचौंध रह जाएंगी मतलब बहुत खूबसूरत थी। मैं भी आ गई थी इधर ना शॉप में, मैंने कहा इतनी देर हो गई सोया बाहर नहीं आई है। और फिर मैं इधर आई तो मैंने देखा कि शॉप तो वाकई में नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैंने कहा यार जब इंसान अपना घर खरीदे तो फिर इस शॉप में आके थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ले, वाकई तो क्या ही बात है। काफ़ी नाजुक नाजुक से ये शोपीस थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे यहाँ की ना, मुझे घड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त लगी। इसके अलावा अभी आगे थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, टुकड़े यहाँ पे थे, फ्रेम्स बहुत अच्छे लगे हुए थे, ज़बरदस्त, मतलब आप यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और बहुत, मतलब ना मेरे ख्याल से ये न्यू शॉप थी। वो कह रहे थे कि ना अभी ओपन हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त वाला ना यहाँ पे सामान रखा हुआ था। गुल प्लाज़ा ना इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और गुल प्लाज़ा में सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो मतलब आपको कोई भी डेकोरेशन पीस चाहिए और कुछ फैंसी और किसी को गिफ्ट देने के लिए भी चाहिए तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। मतलब पूरे गुल प्लाज़ा में आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत मिल जाएंगी, बहुत सारी आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ये वास वगैरह बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैंने देखे। और अच्छा हमारा ना गुल प्लाज़ा आने का इत्तेफाक काफ़ी साल के बाद हुआ, मतलब मेरे ख्याल से 2 साल बाद ना, हाँ 2-2.5 साल बाद हमारा चक्कर लगा यहाँ पर, चक्कर लगा, वरना हमारा इधर आना होता नहीं है। खैर अम्मी को ना प्लेट्स चाहिए थी तो पहले हम सोच रहे थे कि कहीं और से ले लें, जैसे हम चेज़अप से ले लें या कहीं और से इसी तरह हम ले लेते हैं, लेकिन फिर जहन में आया कि जिस टाइप की हमें चाहिए ना वो शायद हमें गुल प्लाज़ा पे ही मिलेंगी, क्योंकि हमें सिर्फ 12 प्लेट्स लेनी थी घर के यूज़ के लिए और हमें कोई सेट वगैरह चाहिए नहीं था, बस वैसे ही लेनी थी प्लेट्स, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स थी वो थोड़ी सी ना टूट गई थी। तो अम्मी ने कहा प्लेट्स टूट गई हैं और लेना ज़रूरी है ना, तो हमने कहा ठीक है अम्मी हम रमज़ान में ही ले लेंगे ना। खैर ये हमारा पहले से प्लान था। यहाँ पर ज़ोया को एक बैग का जो स्टॉल था वो भी दिख गया था और बहुत ही हसीन वाले ना बैग्स लगे हुए थे और ये सॉफ्ट मटेरियल के जो बैग्स होते हैं ना बहुत ही अच्छा खूबसूरत और क्यूट। हाँ एक और बात ना ज़ोया की बात काट के बता रही हूँ आपको ये बात कि ये वाले जो बैग्स हैं ना ये बच्चियों के लिए नहीं है, ये लड़कियाँ भी ले रही होती हैं और मुझे थोड़ी सी अजीब लगता है जब मैं बड़ी लड़कियों के हाथ में ये वाले बैग देखती हूँ। खैर उनकी पसंद उनकी चॉइस अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। अच्छा यहाँ पे ना ये वाले जो बड़े वाले बैग्स थे ना काफ़ी रीजनेबल प्राइस में
में थे और वो जो मैंने दिखाए थे ना जो प्लास्टिक वाला जो मटेरियल था ना, वो वाले बैग्स वो थे तकरीबन 500 और 600 रुपीज़ के थे, और ये वाले जो लगे हुए थे ये 1100 और 1500 रुपीज़ के बैग थे। सही है, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे बैग्स लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे थे और क्वालिटी भी अच्छी थी। तो खैर गुल प्लाज़ा तो है ही ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे क्रॉकरी के लिहाज से। तो फिर हमारा इतनी देर में, जब तक मैंने थोड़ा थोड़ा विज़िट किया, हमारा जूस रेडी हो गया था, तो हमने जूस लिया, हमने बोला चलो इसे पीते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, अपनी क्रॉकरी ढूंढेंगे, क्योंकि वो भी एक टास्क होता है कि हमारी मनपसंद की जो हमें चीज़ चाहिए वो मिल जाए। तो हमने ना ग्राउंड फ्लोर चले गए थे और वहाँ से हमने ढूंढना स्टार्ट किया, और हमें ना अच्छा सारे शॉपकीपर ज़ाहिर है वो बता रहे थे, उनके पास ना सेट ही रखे हुए थे, डिनर सेट थे, जो लूज वाली जो क्रॉकरी होती है, प्लेट्स होती हैं, वो उनके पास ख़त्म हो चुकी थी। खैर फिर भी हम ढूंढते रहे कि किसी शॉप में तो मिलेंगी ना, किसी शॉप में तो मिलेंगी, लेकिन हमें कहीं से भी नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर पे भी पूरा हमने छाना, हमें कहीं से भी क्रॉकरी नहीं मिली, कहीं से भी प्लेट्स नहीं मिली। लेकिन फाइनली अम्मी को एक पतीली मिल गई, क्योंकि अम्मी को अपनी एक पतीली चेंज करनी थी। तो ना यहाँ पे स्टील के बर्तन थे बहुत ज़बरदस्त वाले, बहुत अच्छी क्वालिटी में, तो ना अम्मी को चाहिए था एक लगन का पतीला, वो भी तो, स्टील में, हाँ स्टील में चाहिए था अम्मी को, तो ना वो अम्मी ने ले लिया था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल गया। फिर उसके बाद हम गए सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे क्योंकि किसी ने बताया था, हमने पूछा था कि लूज प्लेट्स मिलेंगी भी या नहीं गुल प्लाजा पे, तो फिर कहा कि सेकंड फ्लोर पे मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। तो ना वहाँ पे गए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे लूज में प्लेट्स थी, और हमें चाहिए थी मार्बल की या तो बोन चाइना की। तो यहाँ पे सारी ना ज़बरदस्त वाली ना प्लेट्स रखी हुई थी, यहाँ पे कप रच भी थे और लूज में ना कप्स भी रखे हुए, मतलब यहाँ पे ये जो शॉप थी ना, यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे सामान मिल रहा था, जो प्लेट्स वगैरह थी ना। तो खैर यहाँ से हमने चूज़ किया, हम थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे थे लें नहीं लें, बहुत लाइट कलर है, लेकिन हम लोगों ने इस बार सोचा था हम थोड़ा डिसेंट सा ही लेंगे, बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं लेंगे। तो खैर हम लोगों ने ले ली थी, शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट नहीं कह रही, इसी वीडियो में शेयर करेंगे, आखिर में शेयर करेंगे तो ज़रूर देखिएगा। खैर हम यहाँ से हो गए थे फारिग, और गुल प्लाजा से फारिग होने के बाद फिर हम चले गए थे बहादुराबाद। और बहादुराबाद क्यों गए थे, जलवरी हमें जाना था, क्योंकि हमने ना यूट्यूब पे ना अपडेट देख ली थी कि जलवरी पे ना न्यू कलेक्शन आ चुकी है, और ईद के हवाले से भी कलेक्शन आ चुकी है। तो फिर हम वहाँ चले गए थे, क्योंकि हमें एक था कि हमें यहाँ से एक सूट लेना है अच्छा सा ना, क्योंकि इन लोगों का ना कट हमें अच्छा लगा था, इनका स्टफ भी अच्छा है और सिलाई भी अच्छी है। दूसरा ही रीज़नेबल प्राइस है, मतलब आपको 5000-6000 में बहुत ही बेहतरीन सूट मिल जाएगा, जो सिला हुआ भी होगा, उसमें एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई होगी, बेले भी लगी हुई होंगी, लेसेस भी लगी होंगी, सब कुछ हुआ हुआ होगा ना, पाइपिंग भी लगी हुई होगी, तो आपको अलग से कुछ कराने की जरूरत नहीं। सबसे मतलब आप टेंशन फ्री होके एक सूट खरीदें और बस ईद पे मजे से पहने। तो खैर यहाँ पर हम इसलिए आए थे, दूसरे ये कि अम्मी को भी यहाँ से एक ड्रेस अच्छा लगा था, तो अम्मी ने भी अपने लिए ले लिया था। और खैर यहाँ पे इस टाइम पे हम सर्च कर रहे थे, और हमें अच्छा यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे सूट पसंद आए, तो चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल था कि ना कौन सा सूट हमें लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो खैर फाइनली हमने चूज़ कर लिया था, और पहले अपिया और मैंने चूज़ कर लिया था, तो उसके बाद फिर अम्मी भी दिखने लगी अम्मी को कौन सा चाहिए, तो खैर अम्मी ने भी ले लिया था, और बहुत ही प्यारे प्रिंट का सूट मिला, प्रिंट भी बहुत अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ज़बरदस्त वाली मिली, स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा यहाँ पर मिल गया। अच्छा यहाँ पे ना वही बात है, यहाँ पे विंटर वाले भी रखे हुए थे, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको मोटा स्टफ़ चाहिए है तो वो भी आप ले सकते हैं। खैर क्योंकि उसके ना प्राइस उन्होंने ना कम कर दिए हैं विंटर वाले, बहुत ज़्यादा कम, मतलब आपको ना 2500 में बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी वाला सूट मिल जाएगा। और बाकी जो अभी जो क्या कहते हैं न्यू कलेक्शन आई हुई है, वो तकरीबन 3000-4000 की रेंज में ड्रेसेस थे, लेकिन काफी अच्छे थे। हाँ उससे 3000 से स्टार्ट है, और जो प्रिंटेड थे वो तकरीबन 2600 रुपीज के मिल रहे थे, 3 पीस सूट है, तो काफी अच्छे थे। खैर यहाँ से हमने कपड़े वगैरह लिए, उसके बाद हमारी नजर पड़ी इसी से, मतलब इससे ना इसी लाइन में थोड़ा सा आप आगे
जाएंगे तो होटल है आलमगीर होटल ना। अच्छा, इसकी हमने बहुत तारीफ़ सुनी हुई है और हम इंटरनेट पे भी सुनते रहते हैं, भाई इन लोगों के मुँह से ही बड़ी तारीफ़ सुनी हुई है कि इतने ज़बरदस्त पराठे होते, चाय इतनी अच्छी होती है। तो खैर वहाँ पर सारी फैमिलीज बैठ के खाई रही थी, तो हमने कहा चलो हम भी थोड़ा हौसला करते हैं और पहली बार हम रोड पर बैठ के हमने खाना खाया। नहीं, रोड पर नहीं यार, फुटपाथ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर सारी सिटिंग एरिया था, सिटिंग एरिया उनका और सारी फैमिलीज वहीं पर ही थी ना, ऑब्वियसली सिटिंग एरिया ही उनका उसी तरफ था। खैर हम वहाँ पे बैठ गए थे और फिर हमने ऑर्डर दिया अपनी चाय का, और इसके अलावा हमने आलू का पराठा मंगवाया था, चिकन का पराठा मंगवाया था और सादा पराठा मंगवाया था, तो जो कि बहुत ज़बरदस्त और इतना पाइपिंग हॉट था, ज़बरदस्त वाला ये पराठा था। खैर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये खाया, हम तीनों ने ये फर्स्ट टाइम खाया। भाई पता नहीं कितने सालों से तारीफ़ें करते हैं कि आलमगीर होटल का ना चाय पराठा लाजमी खाना, जब भी जाना लाजमी खाना। खैर फाइनली खाना हो गया और फिर उसके बाद हम ये खा के फारिग हो गए थे, सांस में सांस आई, जान में जान आई, क्योंकि ना हम सुबह का नाश्ता किया हुआ था और रात हो गई थी हमें, और गुल प्लाज़ा में हम इतनी देर घूमे हैं ना, इतनी देर घूमे, इतना ट्रैफिक भी था एक तो, और खैर अल्लाह का शुक्र बहुत था गुल प्लाजा में, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बोलेंगे आप लोग बस शॉपिंग करते रहते हैं, यार हम एक एक करके अपना काम निपटा रहे होते हैं। हम रमजान से पहले शॉपिंग करते हैं, पूरा साल हमारा ऐसे ही सूखा गुजर जाता है। हाँ तो वो भी तो देखा करें, हम पूरे साल भी तो शॉपिंग नहीं करते ना। अच्छा खैर यहाँ पे हमने सुकून से बैठ के चाय पराठा खाया और उसके बाद हम चले गए थे घर, और घर जाके अब थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं अपनी क्रॉकरी शॉपिंग हॉल, और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हमारी क्रॉकरी की शॉपिंग कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ साथ ना वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। हेलो जी, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं हमारी रमज़ान क्रॉकरी शॉपिंग हॉल, और थोड़ी सी शॉपिंग हमने अभी की थी जो कि हम गुल प्लाजा गए थे, और थोड़ी सी शॉपिंग हमने कुछ टाइम पहले की थी, मतलब वो होता है ना थोड़ा थोड़ा सामान ला के रख देते हैं कि हम रमज़ान में ही निकालेंगे, तो हम क्या लेकर आए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा सबसे पहले ना ये दिखाती हूँ, ये हमने लिया था कुछ महीनों ही पहले लिया था, ये हमने काफ़ी महीनों पहले लिया था, और अम्मी की जैसे कि आदत है उन्होंने कहा ये रमज़ान में निकालेंगे, हमने कहा चलें ठीक है इसको रमज़ान में ही निकालेंगे। अच्छा ये है ग्लास का स्टैंड, ठीक है ये वुडन है, मैं सेट कर देती हूँ, वैसे भी ज़रूरत तो है और इसको हम सेट करेंगे। अच्छा ये इस तरह का है, ठीक है ना, और बस अम्मी को अच्छा लग रहा था, दूसरे वाले स्टैंड अम्मी को नहीं पसंद आ रहे थे, तो ये अम्मी ने लिया था, ये चीज़अप से लिया था, चीज़ वहाँ से लिया था, और प्राइस मुझे याद नहीं कितने का दिया था, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, ये नॉर्मल सही था, नॉर्मल सही था। मैं सेट करती हूँ, ये कुछ इस तरह से इसके स्क्रू हैं जो कि यहाँ पर लग जाएंगे, और ये है इसका स्टैंड, हाँ ये सेंटर में लगेगा। खैर इसको हम बाद में वो उसको टाइट करना, पहले बाकी चीज़ें हम शो करते हैं कि और हमने क्या लिया है, ठीक है ना। अच्छा ये मैं खोल लेती हूँ, ये ना हमने पैक कर दिया था क्योंकि ये था अम्मी ने कहा था इसे ना खोलना नहीं, रमज़ान है निकालना है। ये ना हम चीज़ गए थे और वहाँ से लेकर आए थे, इस पर ना सेल लगी हुई थी, इस पर सेल लगी हुई थी, तो ये पता नहीं शायद 200 रुपीज़ का मिला था हमें, 300 रुपीज़ का, मतलब सस्ता सा था और सेल लगी हुई थी, तो हमने कहा यार इतना बड़ा जग सिर में मिल नहीं रहा होता नॉर्मली, दो साल पहले हमारी बड़ी ख्वाहिश हुई थी जग को ढूंढने में ना, यार ये तो हमने ले लिया था, जबरदस्त वाला, मतलब 2 लीटर का है ये 2 लीटर नहीं है 2.5 लीटर है, अच्छा ठीक है ना, और ये बड़ा ही जबरदस्त वाला हमें जग मिल गया था, बहुत अच्छी कैपेसिटी है और अच्छा है, मतलब मटेरियल अच्छा है, तो आराम से ना हम ज्यादा क्वांटिटी में इसमें शरबत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ना कि जग 1 से 2 होने चाहिए रमजान के लिए, क्योंकि एक में हम पानी वगैरह रख लेते हैं, एक में हम शरबत बना के रख लेते हैं, तो सही रहता है। खैर ये रख देती हूँ साइड पे, और ये तो आपको हम दिखा ही चुके हैं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ क्योंकि रमजान में ही निकलेंगे ये, ये जो हम लेकर आए थे ना एक्रेलिक के ग्लास, और ये हम लेकर आए थे इम्तियाज से लेकर आए थे, है ना, अभी हमने इम्तियाज, हाँ ये तो अभी हम इम्तियाज से लेकर आए थे, काफी अच्छे क्योंकि ना ये काफी सारे लोगों को ना लग रहा था वीडियो देख के, नहीं वैसे भी ना जब हम अपनी शॉपिंग करके मतलब खड़े हुए थे ना बिलिंग के लिए, तो कुछ लोगों को लगा था हमने ये कांच वाले गिलास लिए हैं, और आपने
तुमने खुली कैसे ले ली? मैंने बोला नहीं एक्रेलिक के हैं, मतलब प्लास्टिक के ग्लास हैं। मतलब उधर आंटियां खड़ी होती है ना, वो पूछने लग जाती हैं, जैसे कि हम लोग अभी ध्यान जाता है दूसरों की ट्रॉली पे ना, इस तरह से कुछ आंटियों का भी ध्यान आया था। अभी ऊपर ही रखे हुए थे हमने इस तरह की चीजें, हम थोड़ी जो नाजुक टाइप की होती है ना, वो हम ट्रॉली में ना कोशिश करते हैं ऊपर ही रखे ताकि वो खराब ना हो ना। बिल्कुल। तो खैर ये ले लिया था, और इसके अलावा ये एक हमने होल्डर लिया था, ये स्पून्स के लिए है, ठीक है ना। ये हम डाइनिंग टेबल पे रखेंगे इसको। और ये हमने ली थी ट्रे एक अदद, मेरे ख्याल से पता नहीं चेस से लिए या चेस तो, से ली थी हमने, तो साथ ही ली थी हमने ना। हाँ। और ये हम जब लेकर आए तो अम्मी ने कहा इसको रहने दो, रख दो, क्योंकि अभी जो नई वाली रखी है ट्रे वो यूज करो, इसको रमजान में निकालना। हमने कहा चले ठीक है। तो ये इस तरह की ट्रे है हमारी, बहुत प्यारी सी। अच्छा हमें ना आदत है बचपन से अम्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी का हमेशा से ही होता था, वो कप लाती थी ग्लास लाती थी और हम खुश होते थे ये निकालेंगे, अम्मी कहती नहीं ये रमजान में निकलेंगे, ये रमजान तो फिर हमें आदत है, हम अम्मी से पूछते थे अभी निकालने या रमजान में, तो अम्मी कहती नहीं नहीं रमजान में निकालेंगे ये। नहीं लेकिन अब हम ये थोड़ा करने लगे, जैसे अम्मी बोलती है ना नहीं मेहमान आएंगे तो निकालेंगे, हम बोलते हैं कि नहीं मेहमानों से पहले हमारा हक है। हाँ ना, मतलब ये क्या बात है, मेहमानों को आप नए बर्तनों में खिला रहे, घर वाले के पुराने बर्तनों में खाते रहे। अच्छा खैर इसको मैंने सेट कर लिया, ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये इस तरह का दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा था ये काफी, मतलब इसको सेट करना ही था, मैंने कहा कर ही लूं, और इसे साइड में वही कर रही हूँ, साइड पर रखती हूँ। अच्छा खैर अब मैं दिखा देती हूँ, ये हम लेकर आए थे सेविंग वर्ल्ड से, एग कटर है, ठीक है, दो टाइप के हमारे, क्योंकि हमारा पुराना वाला खराब हो गया था इसलिए ये हो गया। ये हमारा एक अदद स्पून है, ठीक है, ये भी लिया था, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब कस्टर्ड वगैरह निकालते हैं ना जो गोल वाले स्पून होते हैं ना, उससे ना कस्टर्ड जो है ना बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता है, और इससे ये वाला जो स्पून है ना इससे ना बहुत आसानी से ना कट होके आप निकाल सकते हैं इजीली, मतलब इतना बिखरेगा नहीं। अच्छा खैर ये एक अपने सॉस के लिए एक अदद ली थी। हाँ ये मुझे अच्छी लग रही थी, चेस पे, ये चेस पे से ली थी, ये सारी चीजें अलग अलग जगह से ली हुई है वैसे। हाँ इसलिए हमें ना किसी के प्राइस याद नहीं है। हाँ जिसके अभी अभी हम अभी अभी उसकी याद है, उसकी याद है, तो अभी वाला सामान हम अभी आपको दिखा देंगे। खैर ये हमने ली थी आइस क्यूब की ट्रे, और ये भी हमने सेविंग वर्ल्ड से ली थी, और ये हमने ली थी बास्केट, ये वेजिटेबल बास्केट है, फ्रिज के लिए इस तरह की बास्केट्स आइडियल रहती हैं, मतलब वो ना हरी मिर्ची वगैरह रखने के लिए होती है, इसमें खराब भी नहीं होती ना क्योंकि पानी वगैरह निकल जाता है, हवा लगती रहती है। और अब मैं पहले ये दिखाती हूँ। अच्छा अम्मी को ना एक पतीली लेनी थी क्योंकि उनकी एक पतीली हो गई थी खराब, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे चाहिए दूसरी, तो उन्होंने कहा मुझे ना स्टील की चाहिए, उनको आजकल स्टील के बर्तन बहुत अच्छे लग रहे हैं जो इंडियन होते हैं ना, क्योंकि वो आजकल वहाँ के व्लॉग्स बहुत शौक से देख रही हैं, मैं बहुत देखती हैं, बहुत व्लॉग्स देखती हैं, और हमसे ज्यादा अम्मी को शौक है इन सब, पता है बार बार बुला के अगर हम काम भी कर रहे होते हैं ना तो अम्मी हमें बुलाती हैं और बोलती हैं ये देखो मैंने इनका व्लॉग देखा है, इनके पास जो ये है देखो, इस तरह सर्च करना कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी ये चीज ना। खैर अम्मी को हमने एडवाइस किया कि ना आप स्टील के ना बर्तन उधर से मिल जाएंगे हमें ना, क्या कहते हैं कहाँ गए थे हम, गुल प्लाजा गए थे वहाँ से। तो खैर अम्मी ने ये लगन वाली पतीली ली है, इसमें ना कोफ्ते वगैरह और ग्रेवी भी बना सकते हैं, राइस भी बना सकते हैं, और ये मीडियम साइज की है लेकिन ये काफी हैवी है ना, इसी मटेरियल में मेरे पास सॉरी इसी मटेरियल में मेरे पास ना कढ़ाई भी हैगी, वो मैंने ली थी कुछ 3000 रुपीज की ली थी 2 साल पहले। और ये कितने की मिली हमें, ये हमें 4.5 हमें थोड़ी बार्गेनिंग करी, 5000 पे अटके हुए थे भाई साहब, 5.5 पे अटके हुए थे, 1000 रुपीज हमने कम करा के और फिर ये ली है। इसका कुछ ढकना जो है वो लेट जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह। अच्छा ये बिल्कुल फ्लैट है, ओ सॉरी ये फ्लैट है ना, तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब लगन वाला लिया है ना, मैं जान के लगन वाला ही लिया है, अम्मी को लगन वाली पतीलियां बड़ी अच्छी लगती हैं। तो खैर ये अम्मी को लेनी थी, अब इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे ना रमजान में, फिर आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत अच्छी लग रही थी, और बाकी में मजा आएगा जब कोफ्ते वगैरह बनेंगे। मैंने कहा अम्मी इसमें कोफ्ते वगैरह अच्छे लगेंगे, वैसे तो सारी चीजें ही अच्छी लगेंगी, जो इसको साइड पे रखो बाद में बॉक्स में डाल देंगे। और अम्मी का डूम मैट जो कि फटा हुआ था वो हमें गुल प्लाजा से मिल गया, अच्छी क्वालिटी में यार ये मिल नहीं रहा था बड़े साइज का ना, और हर जगह पे नहीं मिल रहा बड़े साइज का। इसमें आप लोग लेना, 3 क्वालिटीज आ रही हैं इसके अंदर, जरा मोटा वाला लीजिएगा, देखिए इसका मटेरियल मैं आपको ना दिखाती हूँ करीब से, देख रहे हैं कितनी मोटी क्वालिटी है, और इसका मटेरियल भी अच्छा है, जो हम सेविंग वर्ल्ड या दूसरी डॉलर शॉप वगैरह से देख रहे हैं ना, तो वो ना कुछ ऐसा है इतना बड़ा,
हाँ ये बड़ा है और उनकी क्वालिटी ना अच्छी नहीं है, मतलब वो ऐसी है एक बार हल्की सी भी नाइफ लगेगी ना, वैसे तो ये भी जाहिर है प्लास्टिक है लेकिन ना ये थोड़ा फिर स्टेबल है, वो इतना स्टेबल नहीं है, वो इतना स्टेबल नहीं है। हाँ वो ना, देख के लीजिए हाँ। वाले तो अच्छा ये मैं बता दूँ, ये हमें मिला है 450 रुपए का। अच्छा जी अब ये दिखाते हैं भाई, और हमारी घर की यूज की प्लेट्स जो है वो टूट गई थी, वैसे वो पूरे एक साल से टूट ही रही थी ना कोना कोना ना, तो अम्मी उसको उसको साइड पे रख रही थी, तो अम्मी ने कहा था इस बार हम ना खाली प्लेट्स लेंगे ना, मैं निकाल लूं। और इस बार हम लोग ढूंढने गए थे, लूज प्लेट्स नहीं मिलती हैं, वो लेने गए थे गुल प्लाजा। वो हम गुल प्लाजा गए थे, अच्छा खैर हमें ना नहीं मिल रही थी, हम उम्मीद हार चुके थे कि हमें प्लेट नहीं मिलेगी, थक गए थे, हमने ना बेसमेंट पे से स्टार्ट किया और वहाँ गए तो खैर वहाँ पे तो बर्तन होते नहीं है, फिर हम मतलब हर फ्लोर पे पूरा ढूंढते क्योंकि हमें हमारी रेंज में भी चाहिए थी, दूसरा ये हमें सिंगल प्लेट्स ही चाहिए थी खाली ना, मतलब हमारा इरादा था सिर्फ हम 12 प्लेट्स लेंगे, 6 बड़ी 6 छोटी ना, तो मतलब इसमें ना मतलब हमारे लिए इतनी एनफ रहेगी, इतना ज्यादा ना घर के लिए लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनर सेट ऑलरेडी है, इतने सारे डिनर सेट खरीदने का फायदा नहीं होता, वो रखे रह जाते हैं क्योंकि रोजाना के उस पे तो निकलते नहीं ना, सिर्फ प्लेट्स ही यूज होती हैं, तो खैर हमें लोगों को ना ये लूज प्लेट्स एक शॉप मिली और वहां पे से हमें ये प्लेट्स मिल गई। मैं आपको शॉप तो उसका नाम मुझे याद नहीं है शॉप का मैं, लेकिन आपको ये बता देती हूँ, सेकंड फ्लोर पे गुल प्लाजा पे आप जाएंगे ना तो वहीं पे आप राउंड मारेंगे आपको दिख जाएंगे, सिर्फ प्लेट्स ही प्लेट्स वहां पे रखी हुई थी और कप्स थे वहां पे, टी सेट थे और कप थे, इसके अलावा प्लेट्स थी और वाइट क्रॉकरी वहां पे आपको मिल, टोटल वाइट थी। अच्छा हमें इस बार जो चाहिए था ना कलरफुल में नहीं चाहिए था, हमने सोचा थोड़ा सा डिसेंट कलर में लेते हैं तो अच्छा लगेगा। अच्छा ये हमने लिए हैं प्लेट, ठीक है ये हमारी प्लेट्स हैं। अच्छा इसमें ना हमने लिए हैं 4 साइज लिए हैं, वैसे तो मैं बताती हूँ किस हिसाब से, मतलब 6 हमने छोटी वाली ली हैं, 6 हमने ली हैं सालन वाली, 6 हमने ली हैं राइस प्लेट्स और इसके अलावा 2 ली हैं बड़ी वाली प्लेट्स। अच्छा ये बड़ी वाली क्योंकि 4 साइज की आजकल चल रही है ना प्लेट्स, तो ये बड़ी वाली हमने 6 नहीं ली, उसकी जरूरत नहीं थी, मैंने कहा फिर भी 2 ले लेते क्योंकि 2 में ये है ना कि ये दही बड़े वगैरह क्योंकि इसका साइज ऐसा है आप देखना, ये क्या कहेंगे थोड़ी सी राउंड वाली चल रही है आजकल ना, कहेंगे अच्छा नहीं है, बेज़ी वर्ड सही। खैर इस शेप में चल रही है आजकल ये फैशन में बेसिकली, जो कहते हैं प्लेट्स का शेप है ना, तो हमने ये वाला ले लिया, इसलिए लिया ये वाला हमने क्योंकि मतलब 2 प्लेटें हम लोगों ने इसलिए ली ताकि इसके अंदर हम चना चाट वगैरह हो गई कोई भी चीज, दही बड़े वगैरह फ्रूट सैलेड हो गई हम सर्व कर सकते हैं, मतलब कम सर्विंग आपको करनी है ना, आपको डिश की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये उसमें यूज हो जाएगी, तो ये हमने सिर्फ 2 ही लिए हैं, बाकी हमने 6 ले ली। अच्छा इसका मैं करीब से, ये जो छोटी वाली है ना आप इसका देखिए डिजाइन, मतलब इसका जो सारी प्लेट ऐसी है राउंड में है, ठीक है इस तरह से क्योंकि इसके एज बाहर नहीं निकले हुए, हमें ना ये वाला ना शेप बहुत अच्छा लगा था, अम्मी को एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था और हमें ना क्या कहते हैं वो मिल रही थी हमें प्लास्टिक में, तो मैंने अम्मी से कहा हमें प्लास्टिक में नहीं चाहिए, दूसरे मटेरियल में हम देख लेते हैं, बोन चाइना हो गया और ये मार्बल है, ये मार्बल वाला मटेरियल हो गया इसमें हम देख लेंगे, तो ये हम ढूंढने गए थे खैर हमें मिल गई और लकीली मिल गई और ये हमें तकरीबन 9,000 रुपीज की सारी प्लेट्स मिली है, काफी सस्ती मिली है और हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग को ये पर्पल कलर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा, खैर बहुत हमें अच्छा लग रहा था, सबसे डिसेंट ना यही था, तो खैर हमने ना ये वाली ले ली है और इसी के साथ के हम लोगों ने सोचा हम कप भी ले लेते हैं, और ये भी हमारे ना पर्पल से कलर की कप है आप ये देख सकते हैं, बड़े ही खूबसूरत से कप लग रहे थे, तो खैर ये उसी शॉप से रोजे को हम सारा कुछ निकालेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फर्स्ट रोजे को ये सारा सामान निकलेगा, क्रॉकरी भी सारी निकलेगी, इसी में हम इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आप लोगों को ये हमारी क्रॉकरी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा भाई, ये कुछ महीने पहले से कुछ आई हुई चीजें थी बाकी बस ये हमने प्लेट्स ली हैं कप्स ली हैं, और ये लास्ट ना मतलब वीक में डिसाइड हुआ था, मम्मी ने कहा कि हम ले लेते क्योंकि हमने देखा हमारी प्लेट्स जो है ना वो ज्यादा खराब हुई हुई थी, मतलब आप कह रहे हैं ना वो जरा किनारे नहीं किनारे झड़ जाते हैं वो टकराने से टूट जाते हैं ना, तो फिर उसमें आप यूज तो कर नहीं सकते, मकरू हो जाता है खाना आप नहीं यूज कर सकते उसके अंदर, तो उसको हमें डिस्कार्ड करना था, इस वजह से हमें प्लेट्स कम पड़ी थी, तो मम्मी ने कहा ये ले लेते हैं, वैसे 12 लेने का इरादा था क्योंकि वो ही हमें काफी हमने स्टोर वगैरह पे देखा था, तो कुछ हमें 8,000 रुपए की मिल रही थी वो ना 12 प्लेटें, लेकिन हमने सोचा कि हम ना और थोड़ा सा सर्च करते हैं शायद हमें कुछ बेटर मिल जाए,
या हम कोई सेट ही ले लें, मतलब जो प्लेट्स का सेट होता है, तो खैर हमें ये समझ में आ गई तो हमने ये ले ली। अच्छा, हमने ना माइंड बनाया हुआ था जैसे चीज अप पे ना, चीज वैल्यू पे जो मिल रही होती है ना, मार्बल की जो प्लेट्स मिल रही होती है, मैंने भी अपिया ने भी माइंड बना लिया था कि हमें कहीं से अगर नहीं मिलेगी तो वहां से जाके ले लेंगे वहां पे, क्योंकि अवेलेबल है। सही, दो से तीन डिजाइन वहां पे अवेलेबल है, हम पहले ही चेक कर, क्योंकि हमें इसी मटेरियल में चाहिए थी ना, इसलिए या तो हमें बोन चाइना चाहिए था या हमें मार्बल चाहिए था। बोन चाइना थोड़ा हैवी होता है, तो ना एक थोड़ा सा ना माइनस पॉइंट ये होता है कि आप ना राइस प्लेट अगर आपके हाथ में है, आप खड़े होकर खाना नहीं खा सकते, आपका हाथ दुख जाएगा। हाँ, वो थोड़ी हैवी होती है ना, इस वजह से ये उतनी हैवी नहीं है ना। लेकिन खैर हमें तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग जरूर बताएगा आप लोगों को ये हमारी क्रॉकरी वाली शॉपिंग कैसी लगी। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।